वक्त की मांग है कि हम अपने विषय को कैसे रोचक बनाएं। इसके लिए हम लोग अपनी कविताओं को, अपने गीतों को नाट्य कला, नृत्य के समावेश के साथ इसे पूरा कर सकते हैं और अपने विषय को और अधिक से अधिक आनंदित कर सकते हैं। यदि कविता में लिखे शब्दों का अंग संचालन एवं भाव भंगिमाओं द्वारा सह संबंध स्थापित हो जाता है तो विद्यार्थी को उस कविता को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वतः ही उसे कंठस्थ हो जाती है। संगीत कला सभी ललित कलाओं में सर्वोपरि है। इसके माध्यम से गीत, कविताएं, गणित के पहाड़े, सभी विषयों को हम बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। लर्निंग ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशराइज्ड मेथड होता है, लेकिन जब हम इसे खेल खेल में, गाने गाने के साथ, नाच के साथ हम इसको करते हैं तो ये बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल माध्यम बन जाता है। शब्दों के मोतियों की माला को कैसे संगीतमय तरीके से नृत्य, गायन, वादन, इन तीनों का समावेश करके हम कैसे अच्छे से अच्छे एक प्रस्तुति तैयार कर सकते हैं जो हम में एक संचार हुआ है नई ऊर्जा का, बौद्धिक विकास, संगीतमय विकास। जब हम अपनी कक्षाओं में जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे और मैं, एक शिक्षक और मेरे बच्चे मिलके नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे और सिखाएंगे।